मध्य प्रदेश में नेताओं के बीच चुनावी साल में जमकर बयानबाजी हो रही है। ऐसे में हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने रानी कमलापति पर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही इस बयान पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी लगातार गोविंद सिंह के विरोध में प्रदर्शन कर रही है और उनके पुतले जला रही है और मांग कर रही है कि गोविंद सिंह अपने दिए बयान पर माफी मांगे। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि रानी कमलापति जी के बारे में अपमानजनक बयान देने के बाद श्री गोविंद सिंह जी माफी नहीं मांग रहे बल्कि फिर ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी भी अजब गजब हैं, वो भी गोविंद सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा फर्जी नाम ढूंढ ढूंढ के ला रही है। दरअसल रानी कमलापति पर विवादित टिप्पणी करने के बाद गोविंद सिंह ने माफी मांगने की बजाय ये कह डाला कि इस मुद्दे पर सियासत करके बीजेपी उन्हीं को बड़ा नेता बना रही है। धन्यवाद देता हूँ, अभी तक कम से कम हम कांग्रेस पार्टी में हमें ये नेता नहीं मानते थे, अब शिवराज सिंह के टक्कर के नेता हमें बराबरी के हैं, इसलिए शिवराज सिंह बेचैन है, इसलिए हमारा पुतला जला रहे, अच्छा है, हम उनको धन्यवाद देते, बधाई देते। कम जो लोग हमें नहीं जा गांव तक जानते थे वो पुतला जलाकर हमारा नाम प्रचारित कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक रूप से हमारा वैभव बढ़ा रहे हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आपको बता दें कि नारायण सिंह ने भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रखने पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बीजेपी जिनके बारे में कभी नहीं सुना गया उनका महिमा मंडन कर रही है। ये दोबारा राजा महाराजाओं का राज लाना चाहती है। भोपाल का रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति, मतलब ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे, जिनने कभी सुने नहीं है हमने तुमने, वे निकाल के स्थापित कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। और फिर राजा ही रानी जो लगातार अत्याचार किए ने गरीबों पर, शोषित पर, दलितों पर, आम समाज के लोगों पर, उनको महिमामंडित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अब सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे को छोटा बनाने के लिए ऊटपटांग बयान देने का अभियान चला हुआ है, प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ।